सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर पत्नी की अश्लील फोटो वायरल करने के विरोध पर दबंगों ने पति पत्नी समेत कई लोगों के साथ मारपीट कर उनसे मोबाइल फोन और सोने की चैन छीन ली। थाना वृंदावन में 11 नामजद और 12 अज्ञात पर डकैती समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वृंदावन कोतवाली की केसरधाम चौकी क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के अनुसार 25 जुलाई की रात को गोपालगढ़ निवासी 3 युवकों ने उसकी पत्नी का चेहरा अश्लील फोटो पर एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। मोबाइल पर फोटो देखकर जब उन्होंने इसकी शिकायत नामजदों के घर पहुंचकर की तो नामजद ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनका मोबाइल फोन छीन लिया और अपने 20-25 साथियों को बुला लिया। इतने में पीड़ित की माँ, पत्नी, बेटा और छोटा भाई और अन्य परिवारी जन भी आ गए। आरोप है कि नामजदों ने लाठी डंडों और तमंचे की बट से हमला कर महिलाओं से अभद्रता की और उनका मोबाइल और गले में पड़ी सोने की चेन भी छीन ली। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, बेटा और उसके भाई और भाई की पत्नी समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना को लेकर गुरुवार को भाई के साथ थाने पहुंचे पीड़ित ने कोतवाली में वृंदावन निवासी गब्बर, बॉबी, विजय ठाकुर, राहुल ठाकुर, जस्सी ठाकुर, ऋत्विक ठाकुर, विजय ठाकुर, प्रिंस गौतम, अनुपम जादौन, बलराम दत्ता, विपिन समेत 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती समेत कई संगीन धाराओं में FIR दर्ज कराई। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आप क्या घटना हुई है? 25 तारीख की रात को 10:30 बजे मेरे बेटे के मोबाइल पर फोटो आया, इसको एडिट कर अपलोड किया गया था। मैं उसकी शिकायत करने के लिए अपने पड़ोसी के यहाँ पर गया। जब मैं उससे गया कहने के लिए तो उसने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया और 20-25 अज्ञात लोगों को बुलाकर बहुत बुरी तरीके से मारपिटाई करी, सर फोड़ दिया, हाथ में फ्रैक्चर है, भाई के कंधे में फ्रैक्चर है और चैन लूट के ले गए, जो मोबाइल थे वो मोबाइल ले गए छीन कर। और कहाँ कहाँ चोट है, किस किस के चोट है, कितने लोग घायल हुए आप? हम दो जने तो है ही हैं और मेरा बेटा है, उसके पैर में चोट लगी है। मेरी बाइक और मेरे भाई की बाइक को जो है वो वैसे ही इंजरी लगी है। तो ये मारपीट कहाँ हुई थी आपके घर पर? कॉलोनी में, मतलब आपकी। अच्छा, तो फिर आपने मुकदमा दर्ज करा दिया है? हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया।